किस शेर की आमद है किरण रन कांप रहा है बाबर इलेवन के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है

आमद है रन काम है बाबर इलेवन के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है और यकीन इंडियन क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कल होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकराव और बिलाशुबा दुनिया क्रिकेट के मैदान में लड़ी जाने वाली ये सबसे बड़ी जंग है अच्छा दो के वर्ल्ड कप के बाद ये पहला आप कह लें कि हाई ऑक्टेन मार्का है जिसमें दोनों टीमें आंखों में आंखें डाले आमने सामने होंगी और रिवायती तौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बल्लेबाजों की जंग रही है लेकिन इस बार भारत का मुकाबला न सिर्फ शाहीन नफीदी हारिस रऊफ और नसीम शाह के तूफानी हम कह सकते हैं कि तूफ़ानी पेस अटैक से होगा बल्कि वर्ल्ड नंबर वन ओ डी आई बल्लेबाज और पाकिस्तान की शान कप्तान बाबर आजम की जारिहाना फॉर्म से भी इनका मुकाबला है जिन्होंने नेपाल के खिलाफ आपको याद है जी एक सौ इक्यावन रन का ढेर लगाकर अभी से अपनी धाक बिठा दी और फिर रिजवान इफ्तार शादाब फखर जमान और इमाम उलक पर मुश्तमिल एक सीसा पिलाई बैटिंग लाइन है जो किसी भी हरीफ के छक्के आराम से छुड़ा सकती है अच्छा भारत पाकिस्तान आने से तो आपको पता है घबराता रहा है लेकिन कल हम इन इससे इसकी मर्जी के ग्राउंड पर शिकस्त देंगे जी तला एक मिनट रुकिएगा क्लोजिंग से पहले चौथी लगातार ओडीआई हंड्रेड होगी कोलंबो में विराट कोहली की ये भी बताने देना पीसीबी के तो हो गए मंजन ठीक है अब आपको मैं ये बता दूं कि किंग कौन होता है किंग वो होता है कि जो आया खड़ा हुआ कल बारिश हुई चला गया सुबह फिर आया फिर खड़ा हुआ फिर उसने देखा कि बादल कैसे हैं और आकर विकेट पर तनकीद भी हो रही होगी जैसे हमने भी कही कहीं ना कहीं कहा किसी एक को एक्सेलरेट करना चाहिए बट रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली और अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आपके जहन में एक छोटा सा पॉकेट रॉकेट बैठ गया ईशान किशन भाई उस दिन ये कोलेप्स कर गए थे मतलब ईशान क्या विराट कोहली से ज्यादा मार सकता है और हारिस सऊ रऊफ की किस्मत अच्छी है मुझसे वो सुन लो जो तुम पूरे शो में सुन नहीं सके हारिस रऊफ होता इंडिया के बीस रन ज्यादा हो गए होते जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज जाएगी क्या भूल गए विराट कोहली ने हारिस रऊफ को किस तरह समझ गए दो छक्के मारे थे टी वर्ल्ड कप में भाई किंग रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली मैं लोगों से हाथ जोड़कर यह दरखास्त करूंगा कि अगर क्रिकेट नहीं समझते तो विराट कोहली के साथ किसी को मिलाकर किसी को कंपेयर करके विराट कोहली की तजलील ना करें प्लीज देखिए हारना इज नॉट एन इशू हार, हाँ। हार गए गेम में होता है एक है। टीम जीतेगी तो एक हारेगी लेकिन आप लड़के तो हारे आप तो ऐसे हारे हैं कि जैसे आप आए ही हारने के लिए थे आप बैटिंग करने ऐसे आए हैं कि जैसे आपने उनके फील्डर्स को ये दिल ही नहीं कर रहा था कि वो आपको शॉट मार रहे थे ना क्योंकि आपको शॉट तो मार ही नहीं रहे थे आप तो वो अपना पैड आगे कर रहे हैं फ्र कैसे बैटिंग कर रहे थे यानी वो इंसल्ट हो रही थी हमारी मुझे अफसोस हो रहा था इतना बड़ा बैटर हम इसका इंतजार कर रहे थे बड़े मैच का प्लेयर है बड़े मैच का प्लेयर है, आज बड़ा मैच नहीं था क्या देखिए हमारी टीम है बैक हम करते हैं लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे ना कि जिसको आप बिल्कुल भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं नबी भी तो था मैं बार बार उसकी मिसाल दे रही हूँ वो बंदे ने दो के स्ट्राइक रेट के साथ क्या खेला है आके आप में से किसी से इतना नहीं हुआ आप बचा ही रहे उनकी बॉलिंग के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाबर आजम नंबर वन बैटर है आप देखें वो कितने क्लूलेस थे जो उन्होंने शुरू में बॉल्स खेली हैं जो बुमराह को खेला है और वो जिस तरह से आउट, आउट हुए, हुए हैं तो, तो मैंने कहा ना सिमिलर फैशन जो बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुए जी कि हाँ। जैसे कोई टेल एंडर खेल हाँ। रहा है तो आप हार जाएं